हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार टीचर एडमिट कार्ड 2023 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हां दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1,70,461 टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी टीचर के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं। कैसे आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाई स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी ने कुछ दिनों पहले प्राइमरी टीचर, टीजीटी टीचर और पीजीटी टीचर के लिए 1,70,461 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जिनका सिलेक्शन यहां पर आपका रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू के आधार पर होगा। डेट्स की अगर बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म्स कैंडिडेट से 15 जून 2023 से 19 जुलाई 2023 के बीच में एक्सेप्ट किए गए थे। एग्जाम आपका 24, 25 और 26 अगस्त 2023 को कंडक्ट होने जा रहा है। एडमिट कार्ड आपका 10 अगस्त 2023 यानी कि आज ही रिलीज हुआ है। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में जाकर बीपीएससी बिहार 1,70,461 टीचर एडमिट कार्ड 2023 आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन कर लेना है अपने डैशबोर्ड में। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, आप चेकआउट कर सकते हो। आपको यहाँ पर रिटर्न एडमिट कार्ड डाउनलोड इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। फिर आपको यहाँ पर अपलोड फोटो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। आपको यहां पर अपना 25 KB से कम का फोटो अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में और ये 250x250 विड्थ और हाइट इसकी होनी चाहिए। यहां पर आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, अपलोड फोटोग्राफ और अपना फोटो यहां पर अपलोड करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने आपका फोटो अपलोड होने के बाद कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। अब यहां पर आपको सबमिट इमेज इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहां पर डिक्लेयर करते हुए यस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहां पर आपको आपके डैशबोर्ड पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहां पर आपको रिटर्न एडमिट कार्ड डाउनलोड इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहां पर आपको सभी महत्वपूर्ण सूचना रीड करने के बाद इस चेकबॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड यहां पर फिल करना है और फिर आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। इसमें आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएगी, क्या रिपोर्टिंग टाइम है, कौन सी डेट को आपका एग्जाम है, कब से कब तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड करा दी गई है, क्या आपके एग्जाम का वेन्यू है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड कर लेनी है और अपने एडमिट कार्ड का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसके साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। अपने एडमिट कार्ड के हार्ड कॉपी प्रिंट आउट के साथ साथ ही आपको अपना एक वैलिड फोटो, एक पहचान पत्र भी लेकर जाना होगा, जैसे कि आपका कोई पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इन दो डॉक्यूमेंट के साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। तो दोस्तों, ऐसे आप अपना बिहार टीचर 1,70,461 पदों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आप डायरेक्टली अपने इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस बार पर bpsc.bih.nic.in टाइप करके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे और यहां पर आकर आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपको बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहां पर आप यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन करके अपना फोटो अपलोड करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे आप बिहार टीचर का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। गाइज, आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट्स की ऑफिशियल नोटिस का पीडीएफ का लिंक भी दिया गया है। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर ये ऑफिशियल पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। आपका एग्जाम 24, 8, 25, 8 और 26, 8 2023 को कंडक्ट होने जा रहा है। दो शिफ्ट में यहां पर आपके एग्जाम होंगे, सुबह 10 से 12 और शाम 3:30 से 5:30 बजे के बीच में यहां पर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। 10/8/2023 से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर आपको ऑलरेडी पहले से ये नोटिस दे दिया गया था, आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपको अपना फोटो अपलोड करना है 25 KB से कम का, 250x250 पिक्सल में उसकी हाइट और विड्थ होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके इन डेट्स पर जाकर एग्जाम में पार्टिसिपेट कर लेना है। तो दोस्तों, ऐसे आप अपना बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 1,70,461 टीचर का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई
आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।